नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति के अंतर्गत पहली आकृति होती है आयत, तो आयत बनाते हैं। ये आयत है, ठीक ना? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसको लंबाई बोलते हैं। इस लंबाई को L से दिखा रहे हैं और इसको चौड़ाई, तो चौड़ाई को B से, तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, ठीक ना? लेंथ एंड ब्रेथ, तो लंबाई चौड़ाई को दिखा दिए। अब इस आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना? एल गुणे बी। फिर आयत का परिमाप देखते हैं। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है? दो गुणे L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी प्रकार आयत का विकर्ण ज्ञात करते हैं। आयत का विकर्ण, देखिए परिमाप का मतलब होता है आप जहां से शुरू किए हैं उसी के से चलते हुए दूरी तय करते हुए अपने स्थान पर वापस आ जाने से ये कुल दूरी हुई चली को परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ से चले ये पूरी दूरी की गणना दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई से की जाती है। आयत का विकर्ण क्या होता है? ये आयत का विकर्ण होता है, ठीक ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्णी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो ये आयत हो गया। अब वर्ग देखते हैं। वर्ग, इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और इसको रेक्टेंगल। वर्ग क्या होता है? इसकी सभी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक ना? तो इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इस सभी भुजाओं को हमने ए से अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये दूरी ए हो गई, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया, तो मतलब सभी ए ए हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, या इसको सिंपल ए स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक ना? अगर ए मान लिया तो ए स्क्वायर हो गया। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ये होता है चार गुणे भुजा, या चार ए, भुजा को ए लिए हैं तो ए लिख लिया। इसी प्रकार वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण हो गया कर्णी दो गुणे भुजा, या इसको सीधे कर्णी दो ए। देखिए ए कर्णी के अंदर नहीं है, कर्णी के बाहर है। तो ये हो गया आयत, ये हो गया वर्ग। अब वृत्त के बारे में देखते हैं। वृत्त, इसको सर्किल बोलते हैं, वृत्त। तो वृत्त की आकृति बनाते हैं। ये वृत्त, ठीक ना? यहां से केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि, ये परिधि होती है, तो परिधि तक की दूरी को R से दिखाते हैं, ठीक ना? ये त्रिज्या होती है, R बराबर त्रिज्या, ठीक ना? और अगर इस त्रिज्या को डबल कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये वृत्त का व्यास कहलाता है। तो और व्यास, व्यास d, और d क्या होता है? त्रिज्या का दो गुना होता है, इसलिए 2R लिख सकते हैं।
अब वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि ये होता है 2 पाई आर, ठीक ना। यहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई बराबर 22/7, ठीक ना। इसी पर इस परिधि को वृत्त की परिधि को वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं, या ये परिमाप भी कहलाता है, ठीक ना। ये वृत्त हो गया। अब हम अर्धवृत्त की बात करते हैं। तो अर्धवृत्त इसको सेमी सर्किल बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ऐसे होता है, आधा हुआ सर्कल का, एक वृत्त का आधा, ठीक ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का आधा हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब वृत्त का परिधि है तो यहां अर्धवृत्त का भी परिधि देखते हैं। अर्धवृत्त की परिधि, तो परिधि इसका भी आधा कर लेंगे, तो 2 पाई आर है तो इसका आधा आधा कर देंगे तो पाई आर बचेगा, ठीक ना। देखिए हम लिख देते हैं 2 पाई आर का आधा कर दिए, ये 2 2 कट गया तो पाई आर बचा। मगर इस अर्धवृत्त में परिधि और परिमाप अलग अलग होता है, ठीक ना। परिधि क्या होता है? ये रही परिधि यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। अब परिमाप की बात करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? जहां से चले वहीं वापस आना है, तो यहां से ये चला तो ये अर्धवृत्त हो गया, ये यहां से यहां तक, ये अर्धवृत्त का परिधि हो गया पाई आर। प्लस फिर यहां से वापस भी जाना है तो यहां से यहां तक क्या हो गया? ये पूरा व्यास है वृत्त का, तो व्यास वृत्त का डी बराबर 2 आर होता है ना, त्रिज्या का दुगुना, तो यहाँ पर 2 आर लिख लेते हैं, ठीक। अब इसमें आर आर दोनों में उभयनिष्ठ है, आर बाहर ले लेते हैं तो पाई प्लस 2 आया। तो ये अर्धवृत्त की परिधि अलग होती है, अर्धवृत्त का परिमाप अलग होता है, ठीक। अब इसके बाद घन घनाप ये शुरू करते हैं। तो घनाप देखते हैं, घनाप इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। तो घनाप का आकृति बनाते हैं, ये घनाप बन गया, ठीक ना। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक ना। घनाप, तो घनाप में क्या होता है? ये देखिए, ये है घनाप, ठीक ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी अलग अलग होता है, ठीक ना। जैसे माचिस का डिब्बा घनाप का अच्छा उदाहरण है, ज्योमेट्री बॉक्स अच्छा उदाहरण है इसका, तो ये घनाप है, ठीक ना। तो घनाप का देखते हैं, पहले आयतन देखते हैं। घनाप का आयतन, आयतन जैसे इसमें क्षेत्रफल था, इसमें आयतन निकालेंगे तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाप का विकर्ण, ठीक ना, डायगोनल बोलते हैं। ये होता है करनी में L² + B² + H² ठीक है, पूरा करनी में हो गया। अब घनाप का
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे एल बी बी एच और एच एल, ठीक ना, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब लिखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल का देखिए इसके ऊपर और इसके नीचे के क्षेत्रफल को हटा देते हैं, ठीक ना, केवल इन चार सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अगर एक कमरे की बात करें तो कमरे की चार दीवार का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम चीज होता है, ठीक ना। तो इसके लिए निकालने के लिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप, गुणे ऊंचाई, जब कर देते हैं तो चार दीवार का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। इस h को यहाँ भी लिख सकते हैं 2h l प्लस बी, ठीक ना। तो ये हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण आयतन, ये घनाभ हो गया। अब घन देखते हैं, यहाँ पर घन या इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, तो ऐसा आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये घन के आकार का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होता है। तो इसका फोटो भी बना लेते हैं, ये घन बन गया, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होता है तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए ए ए हो गया। अब जो ये फॉर्मूला है वही फॉर्मूला उनका भी लिख लेते हैं। तो पहले घन का आयतन देख लेते हैं, इसको मिटा ले, इसका जरूरत नहीं, पूरा मिटा देते हैं, ठीक ना। तो घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई था, तो इसमें भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होगा, ठीक ना, या भुजा का घन होता है, इसको एक क्यूब लिख लेते हैं। फिर घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, तो विकर्ण जैसे वर का विकर्ण करनी 2 गुणे भुजा था, तो घन का विकर्ण करनी 3 गुणे भुजा होता है, गुणे भुजा, तो करनी 3a। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये हो गया 6, भुजा को a माना है तो a का स्क्वायर हो गया, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो पार्श्व पृष्ठीय मतलब ये 1 2 3 4 चार दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चार दीवार क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, तो लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक ना, ये हो गया इनका। तो घनाभ घन हो गया। अब कोण देखते हैं, कोण देखना है मतलब शंकु और बेलन देखना है, तो पहले बेलन देख लेते हैं फिर शंकु को देख लेंगे। बेलन, ठीक ना, बेलन का आकृति बना लेते हैं, ये बेलन हो गया, ठीक ना, ये आधार की त्रिज्या हो गई r, ये बेलन की ऊंचाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी लिख लेते हैं इसको, ये ऊंचाई h हो गई, ठीक ना, बेलन दिखा देते हैं हम, ये बेलन है, ठीक ना, ये बेलन होता है।
ये देखिए, ये यहाँ वृत्त के आकार का क्षेत्रफल है और एक वृत्त का आधार का ये इधर है, ठीक ना। शीर्ष और आधार का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें ये है, ये जो है ये चारों तरफ ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब जब ज्ञात करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये केवल लेंगे, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शीर्ष और आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं, पहले आयतन लिख रहे हैं सबका, तो पहले बेलन का आयतन लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए बेलन का पहले आयतन लिख लेते हैं, बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। फिर लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जाएगा 2πRh, ठीक। फिर लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जाएगा 2πR आर प्लस एच। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक लिख लेते हैं यहां पर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब शंकु को देखते हैं, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु, इसको इंग्लिश में कोन बोलते हैं, ठीक ना। तो इसकी आकृति होती है इस तरह की, जोकर की टोपी इसका उदाहरण अच्छा होता है। जोकर की टोपी इस तरह की होती है, आइसक्रीम का कोन इस तरह का होता है। ये आधार की त्रिज्या हो गई और इस शंकु की ये ऊंचाई हो गई, ये एच होती है, ठीक। और ये जो होती है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना। तो इसकी पहले तिर्यक ऊंचाई, पहले इस आधार का क्षेत्रफल, देखिए शंकु इस तरह का होता है, ये रहा शंकु, ठीक ना। ये आधार का क्षेत्रफल, ये वृत्त के आकार का है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये ऊंचाई और ये तिरछी ऊंचाई हो जाती है, ठीक ना, ये तिरछी ऊंचाई हो गई। तो पहले आधार का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। और ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई इसको L से दिखाते हैं तो जाएगा करनी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। तो शंकु से संबंधित इतने कुछ फॉर्मूले सूत्र होते हैं। अब शंकु के बाद हम लोग देखेंगे गोला और अर्धगोला। तो पहले गोला देखते हैं, गोला, ठीक ना, इसको स्फीयर बोलते हैं, और यहां पर अर्धगोला देखते हैं, ये अर्धगोला,
ठीक है, इसको हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो आकृति बनाते हैं, देखिए ये रहा, देखिए ये भी देखने से वृत्त लग रहा है, ठीक ना। तो गोला बनाने के लिए थोड़ा सा इसके आकृति डिजाइन कर दिया, तो ये गोला की तरह हो गया, ठीक ना। देखिए वृत्त और गोले का अच्छा उदाहरण, अगर रोटी देखें तो रोटी वृत्त के आकार की होती है, और अगर फुटबॉल देखें तो गोले के आकार की होती है, ठीक ना। तो गोला का पहले देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोले का, इसको पूरा मिटा देते हैं, गोले का कुल पृष्ठ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक। यहां पर हम अर्ध गोले का ही बना लेते हैं फोटो, ठीक ना। ये गोला, ये देखिए ये गोला है, ठीक ना, ये गोले का उदाहरण। तो ये गोले का है, तो यहां लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 4πr² है, तो हो जाएगा 2πr², आधा हो गया, ठीक ना। फिर लिखते हैं यहां पर गोले का आयतन, तो ये होता है 4/3πr³। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए इस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था पूरा, ठीक ना। मगर यहाँ हम जब ये अर्ध गोला हो गया तो ये भी सरफेस या ये सतह मिल गई, तो जब इस अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये तो जुड़ेगा ये चारों तरफ का, मगर ये जो सरफेस ये गोले वृत्त के आकार का ऊपर भी मिल गया उसका भी क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1πr² और जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 3πr², और अर्ध गोले का आयतन 2/3πr³। तो इस प्रकार आज हमने क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।